अच्छा जी, सबसे पहले हम ले लेंगे दही। दही के बाद हम जो दूसरी चीज़ लेंगे वो लेंगे अंडा। एक अंडा काफ़ी रहेगा, अगर हेयर लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल, ऑयल कोई सा भी चलेगा, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हेयर कंडीशनर, जो भी कंडीशनर घर पर मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से ली हैं। और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद बालों को अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद जो है हमें एंड्स पर भी लगाना है, क्योंकि को भी लगाना जरूरी होता है। कॉम्बिंग जो होती है वो मुसलसिल करते रहनी है, क्योंकि थोड़े से बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं इससे। उसके बाद जो है हमें इसको कैचर करना है, कोई भी झूड़ा वूड़ा जो है ना हमें नहीं बांधना। और ये रहे जनाब फाइनल रिजल्ट, मुझे ये मास्क जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं सारे के सारे हमारे घर पे मौजूद रहते हैं। अच्छा, बालों में जो ये बहुत अच्छा जो है ना वॉल्यूम लाता है, बालों को स्ट्रेट भी करता है और उसके अलावा शाइन भी लाता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है। महंगे केराटिन कराने से बेहतर है कि हम लोग घर पर ही अपने बालों का अच्छा सा ट्रीटमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई भी चीज़ एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको उसके जो भी असरात हैं उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।